सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर ओपन होता है और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं सीपीयू पे। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये सीपीयू है। सीपीयू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताना भूल गया हूँ कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, सारा जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर सारी प्रोसेस होती है। सेंट्रली जो चीज प्रोसेस होती है, जहां पर प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो यूनिट जहां पर सारी प्रोसेसिंग होती है उसे कहते हैं सीपीयू। सो सीपीयू की फुल फॉर्म आप सब याद रखेंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहले सीपीयू के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये पावर बटन होता है और ये रीस्टार्ट बटन होता है। यहाँ पर आप अपने यूएसबी पोर्ट्स डाल सकते हैं और यहाँ पर आपका म्यूजिक पोर्ट है और ये आपका डीवीडी पोर्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑन करते हैं अपना सीपीयू, देन हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम पावर बटन दबाते हैं, देन चलते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ, जिसकी मदद से हमारा डेस्कटॉप हमें दिख रहा है। ये जो भी आप आइकन्स देख रहे हो, दिस पीसी का या फिर कंट्रोल पैनल हो गया, ये सारे आइकन्स कहते हैं। जो भी जिस पे हम डबल टैप करके खोलते हैं ना एप्लीकेशंस को, उन्हें सबको आइकन बोलते हैं। ये देखिए, पहले हमने लेफ्ट क्लिक करके रिफ़्रेश करा और अब ये जैसे दिस पीसी, नेटवर्क जो मैंने आपको बताया, रिसाइकल बिन, ये सारे आइकन्स हैं। सो अब हम जाएंगे, ये आपको फ्लावर सा दिख रहा है ना, ऐसे ही आपके पास कीबोर्ड में भी होता है, इसे विंडोज़ की कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे, जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। ये जो जो ये जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं सारे। तो सर्च पे जाते हैं और लिखते हैं पेंट, PAINT, और एंटर करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पेंट हमारा खुल चुका है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कुछ भी लिखा तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो सारा हट जाता है। सो जैसे मैंने ब्लैक स्क्रीन करी इसकी और मैं दोबारा लिखता हूँ और मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। सो आप सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ऊपर से सिलेक्ट करके कुछ भी जो हम चाहें वो इसमें कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें पेंसिल चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं पेंसिल चूज़ करता हूँ और देखिए मैं कुछ भी इस पर लिख सकता हूँ पेंसिल के जैसे। फिर मैं ब्रश पे जाता हूँ, कोई अलग ब्रश चूज़ करता हूँ और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो अभी प्रॉपरली हुआ नहीं, लेकिन मैं लाइन चूज़ करता हूँ, इसे कलर येलो कर देता हूँ जैसे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कैसे इजीली मैंने इतनी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करी, सीखी हैं। तो आशा करता हूँ आपको भी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।